तो गाइस वी आर बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। कैसे हैं आप? कमेंट करके बताएं कैसे हैं आप लोग। आज हम देखने वाले हैं अनस्टॉपेबल सुनामी पार्ट टू। ओके, और इमरान खान ट्रिब्यूट है और सुनामी आने वाली है, तो देखते हैं वीडियो कैसी है। और इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिलेगा, जाके वीडियो उधर भी देख लेना, उनको भी सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना कब हो रही, कब सुनामी आ रही है, क्योंकि इलेक्शन होते ही सुनामी आएगी इमरान खान की। तो देखते हैं हाउ वी गो, लेट्स सी। मेरे पाकिस्तानी आम अपनी आजादी ले, ये जो चोर, ये जो डाकू, ये जो हमारे ऊपर मुसल्लत किए गए, जो एनआरओ वाले तो वापस आते हैं, बड़े बड़े महलों में रहते हैं, मुल्क को लूटने आते हैं, चोरी करके बर्बाद कर जाते हैं। वक्त आ गया है पाकिस्तानियों, इनके साथ में खड़ा होना। 75 साल जहालत और गुलामी की बंजर मिट्टी पर बरसने वाली सौ और आजादी की पहली बारिश इमरान खान। ये जो कहते थे कि सिलेक्टेड है, सिलेक्टेड है, अब मैं इनको कह रहा हूं, अब मैदान में हो, एस्टेब्लिशमेंट तो आपके साथ खड़ी है, एस्टेब्लिशमेंट तुम्हारे साथ खड़ी भी हो, मैं चैलेंज करता हूँ इलेक्शन में। तो हमने तो 14 मई से आगे नहीं उनको जाने दें, हम पब्लिक वो मूवमेंट कराएंगे पाकिस्तान में, अपने आएंगे अपने सुप्रीम कोर्ट के लिए, जो कभी पाकिस्तान को पहले नहीं देखे होगी। मैं भूल जाएंगे लड़ाई, इमरान खान को पहला आदमी होगा जिसको जब रजीम चेंज ऑपरेशन करके निकाला गया तो अगले इंतखाबात में वो वापस आ गया। आज तक पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ कि जिसको निकाला गया हो वो अगले इंतखाबात में वापस आ गया हो। इमरान खान की जीना मरना पाकिस्तान में, ये सारे मिलके एक इनका मकसद है। इनकी तो खानदानी जमातें सुकड़ के छोटी छोटी जमातें रह गई है। मैं चैलेंज करता हूँ नवाज शरीफ, तुम वापस आओ और इलेक्शन लड़ो, मैं चैलेंज करता हूँ, तुम्हारे हल्के में जाके तुम्हें लड़ूंगा, या कामयाब होऊंगा या मैं मर जाऊंगा, लेकिन मैंने लास्ट गेम तक लड़ते रहना, मैंने हार नहीं मानी, कि हमेशा मेरी बात याद रखना। पाकिस्तानियों, जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये दिन मेरे घटिया मुखाने 26 साल से मेरे किरदार खुशी कर रहे, 26 साल से मेरे ऊपर इन्होंने हर किस्म का किताबें मेरे ऊपर गंदी लिखवाई, हर किस्म के मेरे ऊपर इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह की शान देखो आज अब किस तादाद में आए हुए हैं और मुझे हौसला अफजाई कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पाकिस्तानी हो, ये अल्लाह ने कुरान में लिखा हुआ है कि इज्जत और जिल्लत मेरे हाथ में। मैं आपको आगे बता रहा हूं, जब तक मैं जिंदा हूं मैं इनका मुकाबला करूंगा, मैं कभी इनको तस्लीम नहीं करूंगा। लोग समझते हैं कि आपको बुरा बना कह के आपको इंसान जलील कर सकता है, कोई इंसान इंसान को जलील नहीं कर सकता, क्योंकि इज्जत अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हुई है। और जिंदगी मौत, सबसे ज्यादा इंसान को खौफ मौत का होता है। वो कहते हैं कि किस टाइम पे तुम दुनिया से जाओगे, ये अल्लाह ने अपने हाथ में रखा। एक मुस्लिम आदमी वो होता है जिसमें ईमान नहीं होता, ईमान बने की निशानी होती है, उसकी कोई कीमत नहीं होती, उसके जमीन को कोई खरीद नहीं सकता, उसको कोई डरा नहीं सकता। 2013 का इलेक्शन जब इन्होंने जीत लिया तो इमरान खान को तरह तरह की बातें करते रहिए, तुम्हारी तो ये पोजीशन है, 40 सीटें भी नहीं तुम कर सके हो, इधर गए तुम्हारा वो यूथ, तुम्हारा वो यूथ, सिर्फ 10 साल और ये पनीरी तैयार हो रही है, ये फसल तैयार हो रही है, एक दफा ये तैयार हो जाने फिर तुम से रुकेंगे नहीं, बल्कि किसी से नहीं रुकेंगे। अवाम के दिल वो अल्लाह का इख्तियार है और वो इमरान खान मोड़ चुका है इसमें। आप कुछ भी ताकत इस्तेमाल कर दें, अगर तुम उससे अवाम के साथ खड़ी कर सकते तो मैं मानूंगा हाँ आप जीत। कि ना आज तक मैं कभी किसी के सामने झुका नहीं, और इंशाल्लाह कभी अपनी कौम को
किसी के सामने नहीं झुकूंगा। सबसे सीधा रास्ता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो है सीधा रास्ता। आखिर में वो पूछते हैं कि लोगों को गवाही दो अल्लाह के सामने कि मैंने ज्ञानदारी से अल्लाह का पैगाम आप तक पहुंचाया। जब पीछे तक आवाज पहुंची तो शोर उठ गया, हां नबी आपने ज्ञानदारी से अल्लाह का पैगाम। लोगों ने रोना शुरू कर दिया, उनकी जिंदगी सारी मुश्किल थी, लेकिन जब आसान वक्त आया तो दुनिया से जाने का वक्त आ गया। जब हम आसान जिंदगी जीते हैं उस पर अजमत नहीं है, अजमत उस जदोजहद का नाम है जो उनकी जिंदगी। मैं खान साहब को उसके और मैं गद्दारों से हाथ नहीं मजा आ गया है। बहुत ही अच्छा ट्रिब्यूट था इमरान खान को और बहुत ही मतलब के पावरफुल वर्ड्स कहे हैं इमरान खान ने और मजा आ गया इस वीडियो का। तो आप भी कमेंट करके बताना क्या इमरान खान वापस आएंगे कि नहीं, लाजमी बताना आपका वोट किसको जाएगा, लाजमी बताना। तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।